बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लर्निंग सेंटर यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की इस लेक्चर में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में गैंट चार्ट आप लोगों को सिखाएंगे। गैंट GANTT गैंट चार्ट, ये एडवांस चार्ट है दोस्तों। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट चार्ट है, ये इंतहाई सिंपल भी है, इंपॉर्टेंट भी है, बहुत फ़ायदा है इसका। तो दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल लर्निंग सेंटर को सब्सक्राइब करें, साथ घंटी वाली बटन दबाएँ, आल वाली बटन पर क्लिक करें, लाइक करें और कमेंट जरूर पेश करें। तो दोस्तों, हमारे पास ये एक डेटा है जिसमें डिफरेंट रीजन्स का हमारा सेल है। ईस्ट रीजन, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ रीजन का हमारा सेल है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे इस डेटा पर गैंट टेक्स गैंट चार्ट। यहाँ दोस्तों आपने इंसर्ट में जाना है और इंसर्ट में दोस्तों ये आप देख रहे हैं यहाँ पर डिफरेंट किस्म के चार्ट से। ये जो चार्ट है ये दोस्तों 2D में भी है और 3D में भी है। इससे दोस्तों गैंट चार्ट कहते हैं। इस पे दोस्तों क्लिक करें, इसको दोस्तों थोड़ा सा यहाँ साइड पे कर दें और क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह बिल्कुल ब्लैंक शो आएगा। यहाँ दोस्तों इसके बिल्कुल सेंटर में अपने माउस का राइट बटन क्लिक करें और यहाँ से दोस्तों सेलेक्ट डेटा पे क्लिक करें। उसके बाद दोस्तों एड पर क्लिक करें, लेजेंड एंट्रीज एड पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद हमारे पास दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है सीरीज़ नेम। सीरीज़ नेम में दोस्तों ईस्ट रीजन दे दें और सीरीज़ वैल्यू में दोस्तों इसको यहाँ क्लिक करें और माइनस करते जाएं। यहाँ दोस्तों इसका जो डेटा है ईस्ट रीजन का, इसको सेलेक्ट करें, जो टोटल है उसको सेलेक्ट नहीं करना, ओके कर दें। तो हमारे पास दोस्तों ये एक डेटा का चार्ट आ गया। अब दोस्तों दूसरा काम सेलेक्ट करना चाहते हैं, यहाँ एड न्यू में जाए और वेस्ट रीजन पर क्लिक करें। यहाँ से दोस्तों इसको मिनिमाइज कर दें और वेस्ट रीजन का जो डेटा है ये सेलेक्ट करें, ओके कर दें। आप देख रहे हैं वो भी इसके साथ ऐड हो गया। एड सीरीज नेम में दोस्तों नॉर्थ और सीरीज वैल्यू में दोस्तों जो डेटा है इसको सेलेक्ट करें, ओके कर दें। आप देख रहे हैं यहाँ साथ साथ ऐड होता जा रहा है मुख्तलिफ कलर में। ऐड सीरीज नेम साउथ, सीरीज डेटा, इसको मिनिमाइज कर दें। टोटल को ऐड नहीं करना, ओके कर दें। तो आप देख रहे हैं दोस्तों इसको आखिर में ओके कर दें। हमारे पास दोस्तों डेटा डिफरेंट किस्म के कलर, चार कलर में मुख्तलिफ डेटा हमारे पास दोस्तों शो हो गया। अब दोस्तों यहाँ आप डिफरेंट किस्म के चेंजेस आप ला सकते हैं। यहाँ अगर इस पर क्लिक करेंगे चार्ट वाली जो पहली वो है, इस पर क्लिक करके आप इसमें भी चेंजेस ला सकते हैं, या यहाँ ऊपर क्लिक करें तो यहाँ से भी दोस्तों आप फॉर्मेट चार्ट एरिया में भी आप डिफरेंट किस्म के चेंजेस ला सकते हैं। मैं दोस्तों चार्ट का जो पहला वो है इस पर क्लिक करता हूँ तो हमारा ये जो डेटा है ये सेलेक्ट हो गया। इस तरह दोस्तों दूसरे पे क्लिक करें तो वेस्ट रीजन का जो डेटा है वो सेलेक्ट हो गया। इस तरह दोस्तों तीसरे पे क्लिक करें, चौथे पे क्लिक करें, आप इसमें दोस्तों वन बाई वन चेंजेस ला सकते हैं। मैं दोस्तों यहाँ ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ दोस्तों ऊपर क्लिक करने से आप देख रहे हैं हमारा जो हेडिंग है वो सेलेक्ट हो गया। तो अपने माउस का राइट बटन क्लिक करें, यहाँ से दोस्तों आप सेलेक्ट डेटा भी क्लिक कर सकते हैं, या ये नहीं तो मूव चार्ट सेलेक्ट डेटा सेव एज टेम्पलेट चेंज चार्ट टाइप, टाइप भी चेंज कर सकते हैं, रिसेट टू मैच स्टाइल। यहाँ से फॉर्मेट चार्ट एरिया में जाए तो हमारे पास दोस्तों यहाँ साइड में ये जो फिल और बॉर्डर का ऑप्शन खुल जाता है और यहाँ से दोस्तों टेक्स्ट ऑप्शन भी हमारे पास खुल जाते हैं। अगर आप दोस्तों टेक्स्ट में लिखना चाहते हैं सर टेक्स्ट फिल पे क्लिक करें तो जो टेक्स्ट है वो डिफरेंट चेंजेस आप उसमें ला सकते हैं। यहाँ टेक्स्ट आउटलाइन है, यहाँ से दोस्तों आप शेड्यू भी दे सकते हैं, डिफरेंट किस्म के चेंजेस ला सकते हैं। चार्ट ऑप्शन पर क्लिक करें तो यहाँ से बॉर्डर और यहाँ से बॉर्डर या वहाँ से फिल कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ से ये आप हेडिंग में चेंजेस ला सकते हैं। इस पर क्लिक करें जो फर्स्ट चार्ट है ईस्ट रीजन का, यहाँ दोस्तों फॉर्मेट डेटा सीरीज में जाए, यहाँ आप जो भी चेंजेस लाना चाहते हैं आप इजीली ला सकते हैं।
इस तरह दोस्तों आप दूसरे पर क्लिक करें और यहाँ से दोस्तों ए डेटा लेबल भी कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पर इसका जो डेटा है वो आपको दिखाई दे रहा है। इस तरह इसमें भी ऐड कर सकते हैं 76,678 जो इसका टोटल है वो यहाँ पे। इस पर दोस्तों क्लिक करते हैं, एड लेबल की जगह यहाँ पे इसमें आप कोई और चेंज ला करना चाहते हैं तो ला सकते हैं, डेटा फॉर्मेट में जाए। तो दोस्तों यहाँ पे आप डिफरेंट किस्म के चेंजेस इसमें ला सकते हैं। आप देख रहे हैं दोस्तों ऑटोमेटिकली यहाँ पे इसका जो वो है चार्ट है उसका शक्ल चेंज हो गया। यहाँ से दोस्तों कलर चेंज कर सकते हैं, यहाँ से दोस्तों डिफरेंट किस्म का चार्ट से वो अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस लेक्चर में इतना ही। मज़ीद वीडियो और अपडेट के लिए हमारे इस चैनल लर्निंग सेंटर को सब्सक्राइब करें, साथ घंटी वाली बटन दबाएं, लाइक करें और कमेंट ज़रूर पेश करें। थैंक यू सो मच।